नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया, एंड दैट इज WHO डिक्लेयर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, जो कि बहुत सारे डाइट बेवरेजेस, डाइट कोक, डाइट पेप्सी एंड सो एंड सो फोर्थ में आमतौर पर यूज होता है, यहाँ तक च्युइंग गम्स, एज अ पॉसिबल कार्सिनोजन। अब बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉसिबल कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ पॉसिबल कार्सिनोजन, इज इट प्रूवन। एस्पार्टेम एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो बहुत सालों से यूज हो रहा है। इसके ऊपर इनिशियल फेजेस में बहुत सारी रिसर्च, कम से कम मोर देन 200 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। इनिशियल स्टडीज के अंदर जब ये रैट्स के ऊपर, रैट मॉडल्स के ऊपर जब इस्तेमाल किया गया, तो उनके अंदर ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा पाया गया, लेकिन कोई भी ऐसी ह्यूमन स्टडी नहीं हो पाई जिसके अंदर इसका ओवरऑल सेवन आपको बीमार कर सकता है। इसलिए इसके ऊपर IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर एंड WHO ने इसको पॉसिबल कार्सिनोजन का लेबल दिया, लेकिन USFDA ने इसको बखूबी अपनाने के लिए और इसको यूज करने के लिए इसको अनुमति दी। यानी कि एस्पार्टेम अगर हम एक ऐसी रेगुलेटेड मात्रा में ले तो ये हमारे लिए सेफ। ये रेगुलेटेड मात्रा है क्या? इस रेगुलेटेड मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको ऑलमोस्ट 16-32 कैंस, यानी कि जो डाइट कोला के जो कैंस होते हैं, इतने कैंस पीने पड़ेंगे डेली उसकी मात्रा को ब्रीच करने के लिए कि आपके अंदर कैंसर जैसे लक्षण को पैदा कर सके। यानी कि इसकी जो सेफ लिमिट है, पर डे की सेफ लिमिट है, वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान इतनी लिमिट क्रॉस ही नहीं कर सकता पर डे, जिससे उसको कैंसर हो। लेकिन एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बात बताना भी बहुत जरूरी है कि ये पॉसिबल कार्सिनोजन हो सकता है अगर इसकी आप एक लिमिट से ज्यादा इसका सेवन करें। कोई भी ऐसा एविडेंस लिटरेचर में नहीं है जिससे इसको हम ये कह सकें कि ये एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है या कार्सिनोजन। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक कार्सिनोजन से हम लोग घिरे हुए हैं, और मुझे लगता है इस बात को तह तक समझना और तह तक पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्लीज डोंट गो बाय हियर से, रीड इन बिटवीन द लाइंस, बिकॉज So what I would like to say is that the facts are in the details. Thank you.